पूरी दुनिया में इसराइल हमास जंग की चर्चा चल रही है, मगर इस बीच कतर से आई खबर ने भारत को चिंता में डाल दिया है। कतर के कोच ने वहां रह रहे भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुना दी है, जिसके बाद से ही देश में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या एक छोटा सा खाड़ी मुल्क भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका देगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कतर के लिए इसे अंजाम दे पाना आसान नहीं है। दुनिया भर में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर चुके भारत के इन अधिकारियों को ऐसी सजा दे पाना कतर के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसानी से सजा सुना दी गई है, खासकर तब जब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कतर की अदालत के इस फैसले के खिलाफ हर तरह के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कतर के इस आदेश पर अमल क्यों मुमकिन नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के एक नागरिक को भी इसी तरह से मौत की सजा सुनाई गई थी। वो कतर जनरल पेट्रोलियम में काम करता था। आरोप था कि वायुसेना के 2 अन्य आरोपी उसे खुफिया जानकारी देते थे, जिसे वो फिलीपींस तक पहुंचाता था। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसीलिए फिलीपींस के नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस मामले में अपील की गई और कोर्ट ने सजा कम कर आजीवन कारावास में बदल दिया था। वायुसेना के 2 अन्य आरोपियों को भी 25 साल की सजा घटाकर 15 साल कर दी गई थी। दरअसल वहां के कानून में इस तरह की सजा और बाद में माफ करने का रिवाज रहा है। इसके अलावा भारत से कूटनीतिक रिश्ते भी खास हैं। ये वजह है कि कतर के लिए 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटका देना आसान नहीं होगा। अब भारत कूटनीतिक तरीके से कतर पर दबाव बनाएगा जिससे इनकी सजाए मौत माफ कराई जा सके। कतर ने जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाका पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। नेवी में ट्रेनर से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर इन लोगों ने काम किया। विदेश मंत्रालय इनके परिवार के संपर्क में है और साफ कर चुका है कि उन्हें भारत की ओर से हर तरह से कानूनी सहायता दी जाएगी।